तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं फिर से पालघर को आपको दिखाने के लिए। हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और दिखाएंगे पालघर का आपको एक कोना कोना। और देखिए सुबह मार्केट लग जाते हैं, जो रेड़ियाँ होती हैं यहाँ पर वो लग जाते हैं उस सुबह के टाइम में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह सुबह लोग आपको दिख जाएंगे, क्योंकि सुबह काम का टाइम होता है मुंबई महाराष्ट्र में, हर जगह आपको काम के टाइम होता है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के वर्क्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहले जो डिस्ट्रिक्ट लगता था वसी विरार अलग अलग जो सब लगता था वो लगता था थाना, फिर इसके बाद उसको अलग करके उसका एक सेपरेट विधानसभा बनाया गया, एक सेपरेट इसे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और जिसकी पूरी कमांड पालघर को दे दिया गया। तो उसी हम पालघर की तरफ हैं और इसे स्टेशन रोड कहते हैं और इसे स्टेशन रोड की तरफ हम चल रहे हैं। और एक एक चीज़ आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस पालघर में और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर जो फ्लैट है वो करीबन आपको मिल जाएंगे 1 BHK करीबन 10-15 लाख तक क्या आपको आसपास के यहाँ पर फ्लैट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी और ट्रेन लगातार आती रहती है विरार से पालघर के लिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये इसका चौक है और इसी चौक बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए ये जो एक रोड है ये जाता है यहाँ पर जो कलेक्टर ऑफिस है ये वहाँ पर जाता है शायद। सड़कों किनारे आपको ऐसे बहुत सारे लोग सब्जियाँ बेचते हुए दिख जाएंगे और ऐसे ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें लोग दिख जाएंगे यहाँ पर सड़कों के किनारे। क्योंकि हमने देखा है बहुत जगह पे कि बहुत सारे अलग अलग मतलब लेवल के लोग रहते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई उससे भी अधिक अमीर है। तो हम ये स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और आपको स्टेशन के तरफ आपके जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें आपको हमें दिखाना है, हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो दुकान के जो रेंट है वो भी शायद मेरे ख्याल से 15,000 से 20,000 के आसपास होंगे, इतना ही होगा। देखिए ये हमारा आ गया सामने से पालघर, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको पालघर का पूरा नज़ारा। और सामने आ गया हमारा पालघर और तो
ये देखिए ये आ गया हमारा पालघर, तो यहाँ से आ गया हमारा पालघर।